इंदौर खंडवा रोड हादसों की सड़क के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। यहां लगातार वाहन दुर्घटनाओं के चलते कई मौतें हो चुकी हैं। वहीं वर्तमान में इंदौर खंडवा रोड पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। अब यहां निर्माण कार्य हादसों को न्योता दे रहा है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही लोगों की जिंदगियां लील रही है। इंदौर खंडवा रोड पर सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरूघाट के समीप मंगलवार रात युवक की सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। ये गड्ढा करीब 40 फीट से अधिक गहरा बताया जा रहा है। सिमरोल थाना प्रभारी आरएनएस भदौरिया के अनुसार देर रात मोटरसाइकिल सवार और कार सवार युवकों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई। विवाद के बाद अफरा तफरी में युवक सड़क से दौड़ लगा रहा था, जिसके बाद वो सड़क के किनारे ही खोदे गए गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। सर, सिमरोल थाना क्षेत्र में कल एक रात हादसा हुआ है, सड़क निर्माण जो चल रहा था वहाँ युवक की गिरने से क्या मामला है? ये लतादा के तीन लड़के थे, सोनू, नीलेश, एक और तीन लड़के मोटरसाइकिल से इंदौर से आ रहे थे। तो बीच में कार वालों से इनका ओवरटेक को लेकर कुछ विवाद हुआ, फिर इन्होंने बाबा चौपाटी के पास कार वालों को रोका और इनका झगड़ा हुआ। उसी बीच अफरा तफरी में ये लोग जो विवाद हुआ था, फिर ये लोग वहाँ से भागे मोटरसाइकिल वाले, क्या दिन कुछ और एक दो दोस्त और मिले, तो भागे वहाँ से। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस पहुँची वहाँ पर, इन लोगों को लाके इनके दोनों तरफ से क्रॉस रिपोर्ट हुई है। तो जो कार वाले और सनावट के रहने वाले हैं और ये मोटरसाइकिल वाले बता रहे थे, इसमें बाद में पता चला कि एक लड़का वहाँ खाई में कोई गिर गया है। जब जाकर उसको निकाला देखा तो वो दत्तौदा का सोनू करके जो मोटरसाइकिल वाले थे इनका साथी था, वो संभवतः वहाँ झगड़े के बाद वहाँ से भागा है। सर, अभी क्या स्थिति है सोनू की? सोनू की डेथ हो चुकी है, उसका एम्बुलेंस का पीएम हो रहा है। सर, वर्तमान में देखने में आया है कि खंडवा रोड पर निर्माण कार्य का काम चल रहा है, निर्माण एजेंसी की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। पूर्व में एक हादसा हुआ था आईआईटी गेट के सामने, जहाँ एक्टिवा सवार की मौत भी हुई थी रोड की पटरी नहीं बनने के कारण, और वर्तमान में अभी जहाँ हादसा हुआ वहाँ पे भी सुरक्षा के कोई संसाधन नहीं है, तो ऐसे में क्या निर्माण एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जांच करेंगे उसमें, निर्माण एजेंसी की कोई लापरवाही पाई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, पूर्व में जो हादसा हुआ था एक्टिवा चालक की मौत हुई थी, क्या उसमें भी निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोई जाँच की गई थी या कोई कार्रवाई की गई है? उसमें एक्चुअल में ये जो रोड का रिपेयरिंग का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उस मेंटेनेंस के काम में पहले रोड बन रहा है, उसके बाद इसके साइडवेज भरे जा रहे हैं। तो ये निर्माण, ये तो एक प्रक्रिया है, इसका निर्माण, इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसमें इसको उस रूप में इसका कोई लापरवाही सामने नहीं आई, तो जानबूझ के छोड़ा गया। सर, वर्तमान में हादसे के बाद भी अब तक जहां हादसा हुआ था वहां पटरी भरने तक का कार्य नहीं हुआ, जिससे फिर हादसे की नौबत बन रही है? नहीं, हो काफ़ी कुछ हो गया है, बाकी काम चल रहा है जो बचा है। अभी बहुत कुछ काम रिपेयरिंग का है जो चल रहा है, वो इसका हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें बीच बीच में विजिट कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। बता दें कि सड़क निर्माण के लिए कार्य कर रही मेघा इंजीनियरिंग द्वारा निर्माण कार्य में कई लापरवाही आंकी जा रही हैं। निर्माण कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों में भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहीं जिस जगह पर ये गहरी खाई की गई है वहां भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि निर्माण एजेंसी की लापरवाही को लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पंजाब के सीटीवी के लिए इंदौर से गौरव कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।